हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका फूड बाय एल्का मेरे मम्मा के चैनल में। सो गाइस, आज मम्मा ने बनाई थी टेस्टी टेस्टी आलू फ्रांकी, जो मैं स्कूल ले गई थी, फिर वो ख़त्म होके ही आई थी। सो गाइस, अगर आपको इस टेस्टी से आलू फ्रांकी की रेसिपी चाहिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो फ्रेंकी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक डो लगा लेते हैं। जो डो मैं गेहूं के आटे से लगाऊंगी। वैसे फ्रेंकी तो मैदे से बनती है, लेकिन हेल्दी रखने के लिए इसे हम आटे से बनाते हैं। तो 1 कप गेहूं के आटे में 1/4 कप दही डालें, 1 टेबल स्पून ऑयल और स्वाद के अनुसार नमक। फिर इसे मिक्स करते हुए पानी की सहायता से एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा लें। फ्रेंकी या रैप के डो को हमेशा मीडियम सॉफ्ट ही रखें, क्योंकि पराठा बनाने के बाद ये लंबे समय तक बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। अब फ्रेंकी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ फ्रेंकी मसाला, जो बहुत ही आसानी से घर पे बन जाता है, जिसके लिए हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च, अमचूर पाउडर, काला नमक और स्वाद के अनुसार प्लेन सॉल्ट डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। इस मसाले को आप 15 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में बनाकर स्टोर कर सकते हैं, और जब भी दिल करे फ्रेंकी बनाएं और खाएं। अब पैटी बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा सा बटर लें और उसमें 1 चम्मच तेल डालें, ताकि बटर जले नहीं। जब बटर मेल्ट हो जाए तो उसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालकर थोड़ी सी हींग डालें। जब जीरा चटक जाए तो उसमें कुटा हुआ लहसुन डालें। लहसुन को सिर्फ उतना ही पकाएं जिससे कि उसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए, कलर बिल्कुल ना बदले। अब फ्लेम को बिल्कुल लो करके कुछ बेसिक मसाले डालें। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून बड़ा सा फ्रेंकी मसाला डालें, और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसे धीमी आंच पर भूनें। जब मसाला भुन जाए तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हरी मिर्च डाल लें। अब इसमें उबले हुए आलू डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब आलू को मसाले के साथ अच्छे से कोट करते हुए मिलाएं। फिर एक पोटैटो मैशर की हेल्प से आलू को अच्छे से मैश कर लें। अब टेस्ट के अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में ही भूनें। इसे लगातार लो मीडियम फ्लेम में चलाते हुए भूनें। फिर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और लेमन जूस डालकर इसे मिक्स करें। इस फ्रेंकी की पैटी को और भी मज़ेदार बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच टोमेटो सॉस और चिली सॉस का डालकर अच्छे से मिक्स करें। जब टोमेटो सॉस और चिली सॉस अच्छे से मिक्स हो जाए तो फ्लेम को बंद कर दें और इसे ठंडा कर लें। जब पैटी मिक्सर ठंडा हो जाए तो आप इसे मनचाहा आकार देते हुए ब्रेड क्रम में लपेट कर रख लें। ये पैटी हम रात को भी बनाकर रख सकते हैं, और सुबह फ्रिज से निकाल कर सेक कर गर्मा गर्म अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। अब इस पैटी को सेकने के लिए पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालें। तेल को पैन में चारों तरफ फैलाते हुए मीडियम फ्लेम में सारी पैटी को दोनों तरफ से अच्छी सी क्रिस्प होने के लिए सेकें। जब सारी पैटी सिक जाएँ तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें। अब ये फ्रेंकी बच्चों के टिफ़िन में देनी है तो मेयोनीज और टोमेटो केचप की एक स्प्रेड बना लें। यदि ये फ्रेंकी बड़ों को खानी है तो आप इसमें हरी चटनी का भी यूज कर सकते हैं। अब रैप बनाने के लिए लोई लें और इसे अच्छे से स्मूद करते हुए बेल लें। इस चपाती को बड़ा ही बनाएं और बहुत पतला ना बेलें। अब इस चपाती को गर्म तवे में डालकर मीडियम टू हाई फ्लेम में सेकें। इस चपाती को मीडियम टू हाई फ्लेम में घी या बटर में ही सेकें। इस प्रकार सारे फ्रेंकी रैप को बनाकर तैयार कर लें। अब इस चपाती को असेंबल करने के लिए सबसे पहले चपाती में मेयोनीज और सॉस की स्प्रेड लगाएं। उसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेंकी मसाला स्प्रिंकल करें।
और इसमें सिकी हुई पैटी रखें और महीन कटा हुआ प्याज डालें। और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा फ्रेंकी मसाला डालें और इस प्रकार रैप करते हुए अपने बच्चों को टेस्टी डिलीशियस ये आलू फ्रेंकी दें।